नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्टॉक की, यानी कि HAL का स्टॉक। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, पर अभी जो ट्रेड की बात करेंगे, अभी करंट प्राइस करीब 3670-72 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये स्टॉक ऐसा है कि आपका पैसा डबल भी कर सकता है एक साल के अंदर। तो स्टॉक का ट्रेडिंग प्राइस महंगा जरूर है, हमेशा ये नहीं है कि कुछ पैनी स्टॉक्स पर ही बात की जाए, कुछ अच्छे स्टॉक के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो उस सीरीज में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये स्टॉक अभी आने वाले टाइम में आगे एक साल तक बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हालांकि 3670 रुपीज़ का ये स्टॉक वैसे तो काफ़ी कॉस्टली अभी है, लेकिन एक साल के अंदर करीब करीब ये डबल भी हो सकता है, ऐसा अब इसके साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पास ऑर्डर्स की भी भरमार है। और जहाँ तक बात है ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी से स्टॉक में देखी जा रही है, वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। जहाँ तक अभी आज करंट का बात करूँगा, ओपनिंग प्राइस करीब 3640 रुपये के आसपास में ये ओपन हुआ था, और उसके बाद से ये लगातार ऊपर ग्रीन जोन में प्रॉफिट्स में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और आगे भी इसमें यही स्थिति बनी रहने वाली है। उसका बहुत बड़ा एक कारण है, अमेरिका की कंपनी यूएस की कंपनी से इसका एक जॉइंट वेंचर हुआ है ऑर्डर के रिगार्डिंग, तो जिस एग्रीमेंट के चलते इसके शेयर्स में उछाल देखने को मिल रही है। इनके पास ऑर्डर्स की अब आने वाले समय में कोई कमी नहीं है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का अगर पुराना रिकॉर्ड भी आप चाहें तो खुद भी चेक कर सकते हैं, उसमें कुछ स्पेशल बताने जैसा नहीं है। अगर बात करेंगे आगे किस तरह का ये मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा, वो सारी डिटेल्स हमने तैयार की है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। साथ के साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि इस कंपनी में ऐसा मतलब किस कंपनी का जो पैसा है या किस तरह का रिटर्न्स इनको मिलने वाला है, या कैसे ऑर्डर इनको मिले हैं, किस कंपनी से मिले हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। लास्ट अगर एक साल के पुराना फेज देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो स्टॉक है उसने अभी तक भी जो इसका प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। अब जो भी इसमें रिटेल इन्वेस्टर हैं या पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये बनती है कि इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बेसिकली ये डिफेंस के लिए बहुत सारे आइटम्स या प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अमेरिकी कंपनी जेई एयरोस्पेस के साथ इसका एक करार हुआ है, समझौता हुआ है, तो दोनों कंपनियां मिलकर फाइटर जेट तेजस MK2 का इंजन बनाएंगी। तो इस न्यूज़ के बाद से इस स्टॉक में आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छी इसके अंदर तेजी बनी रहेगी, बहुत अच्छे मार्जिन बनने वाले हैं, और बहुत ही अच्छा ये स्टॉक रिटर्न देने में आगे पूरे साल आपको देखने को मिलेगा। बात करते जेई एरोस्पेस जो यूएस की कंपनी है, तो वो करीब ऐसा नहीं है कि वो अभी से इनका वेंचर हुआ है, जॉइंट वेंचर या ऑर्डर्स की बात हुई है, एग्रीमेंट हुए हैं, तो ये पहले से करीब करीब ऐसा बोलेंगे कि 30 ईयर्स के आसपास से ये कंपनी इंडिया में ऑलरेडी पहले से काम कर रही है। और कंपनी जेई एरोस्पेस जो है वो कंपनी पहले से कंपनी इंजन जो बनाने का काम करती है, साथ के साथ सर्विसेज, इंजीनियरिंग की मैन्युफैक्चरिंग और लोकल सोर्सिंग आदि पर ये ऑलरेडी इंडिया में पहले से काम कर रही है। लेकिन अभी जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जेई एरोस्पेस एक स्पेशल जो F401 इंजन होता है, यानी कि F414 नंबर का एक कोई इंजन होता है, तो उसका प्रोडक्शन इंडिया में अब ये करने वाले हैं HAL के साथ मिलकर के। तो इस एग्रीमेंट से पहले एयरोस्पेस ने ऐसा भी कहा था कि करीब करीब 100 इंजन ये लोग इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाएंगे, जो कि LCA MK2 का प्रोग्राम का ही पार्ट होता है। तो इसमें इस तरह के इंजन ये बनाएंगे जो इंडियन एयरफोर्स के लिए बनने हैं। तो अब इस शेयर की कीमत में पहले पिछले लास्ट वीक में थोड़ा गिरावट देखने को मिली थी करीब 3-3.5% की, लेकिन अब करंट आज से वीक स्टार्ट हुआ है, आज से इसके स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, और तेजी ये बराबर बनी रहने वाली है। और इसका मंथ वाइज का जो हमने एक या 2 वीक्स का जो डाटा हम लोग बनाते हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो उसमें मैं आपको डिटेलिंग में बता दूंगा कि अपसाइड और डाउनसाइड भी क्या रहने वाले हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, सिंगल लाइन में अगर मैं बोलूंगा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो स्टॉक है वो एक आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, और फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से शॉर्ट टर्म में भी आप इसमें पैसा बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म में इसे पैसा नहीं बना सकते, नो डाउट ये स्टॉक बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और आगे इसका फ्यूचर एकदम से ब्राइट है। और साथ के साथ इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। बात करते हैं अगले 2 सप्ताह में ये स्टॉक का अपसाइड डाउनसाइड क्या रहने वाला है, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। करीब 14 डेज का हम बात करेंगे, कमिंग 14 डेज यानी 2 वीक्स के अंदर इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा 4,360 रुपये इसका अपसाइड, और डाउनसाइड की बात करेंगे तो 3,595 रुपीज़ के आसपास ये डाउनसाइड कमिंग 2 वीक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 4,260 या 4,360 रुपये के आसपास इस कमिंग 2 वीक्स में ही इसका प्राइस अपसाइड जाता हुआ दिख जाएगा, हो सकता है उससे ऊपर भी जाता हुआ दिख जाए। और डाउनसाइड की बात करेंगे तो 3,595
596 या 98 रुपीज़ के आसपास इसमें डाउनसाइड देखने को मिल जाएगा कमिंग 2 वीक्स के अंदर। तो ये तो बात रही इसके 2 वीक्स के फोरकास्ट की, हाईएस्ट लोएस्ट जो पॉसिबल प्राइस की प्रेडिक्शन है वो मैंने आपसे शेयर की है। अब बात करेंगे कि साल भर में अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, तो इस स्टॉक के अंदर कितना अर्निंग पोटेंशियल दिखता है। तो ऐसा हमारे एनालिसिस का मानना है या हमने जो तैयार किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इस स्टॉक में पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये प्लस में करीब करीब 52% के रिटर्न्स देने वाला एक स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर इतना करीब करीब 52% यानी 52% के आसपास रिटर्न देने की क्षमता रखने वाला ये स्टॉक है कमिंग 1 ईयर के अंदर, यानी कि 1 साल के लिए अगर आप प्लान करते हैं तो। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, और अच्छे स्टॉक्स में अगर आप पैसा लगाएंगे तो जरूर जाहिर सी बात है बहुत अच्छा मार्जिन और मुनाफा भी कमाएंगे। और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है या आप चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, क्वेश्चंस के मैं हमेशा आंसर कर रहा हूँ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और जिससे आपको वीडियो समय से मिल सके। इसी के साथ वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट।